हजार लोगों का चुन करके जीत करके आए हैं, 70,000 लोग, पंचायतें और पंचायत समितियां 6,700 पंचायतें हैं, एवरेज 10-11 पड़ जाती है, तो 70,000 प्रतिनिधि हमारे 2.25 करोड़ जो वोटर्स हैं उन्होंने चुना है कि सब ठीक ठाक शांतिपूर्वक हो गया, पीसफुल। मैंने कहा हाँ, कोई झगड़ा क्लैश कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये विशेषता इस देश की संविधान निर्माताओं ने हमको दी है, इसको बचा के रखना है। इसको बचा के रखने के लिए जो निराश लोग होते हैं, हताश लोग होते हैं, सत्ता हाथ में नहीं आई तो किस सीमा तक चले जाते हैं, उनकी पहचान करनी पड़ेगी और उनको इसमें तभी उनको हम सबक सिखा सकते हैं जब उनको दूर रखेंगे। अब ये आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाओ हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात सदन में कहें जहां विचार विमर्श होना है, हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटें, मीडिया में जाएं, लोगों के सामने बात रखने में कोई है नहीं। हमारे स्वतंत्रता है, राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि आप अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी कहो, लेकिन धींगा मस्ती करोगे या धींगा मस्ती करने वालों को सहयोग दोगे, ये नहीं चलेगा। तुमको अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो केवल लोकसभा में बचती ऐसा नहीं है, केवल विधानसभा में डेमोक्रेसी बचती ऐसा नहीं है, स्थानीय निकाय में भी हमको ये सबक देना पड़ेगा कि जिस विचार के लोग डेमोक्रेसी पर हावी होना चाहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो नहीं चलने देंगे, उनको सबक यहां बैठ के भी सिखा सकते हैं। और टाइम की भी बात होती है, क्योंकि आज विधानसभा लोकसभा नहीं है, अगर ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव आज होता तो उसके माध्यम से बताते हैं, लेकिन आज चूंकि स्थानीय नगर निगम का चुनाव है तो इस समय हमको बताना पड़ेगा कि धींगा मस्ती वाले लोग हमको नहीं चाहिए। शायद आम आदमी न सोच पाए, लेकिन ये प्रतिष्ठित नागरिक और खास करके पंचकुला में तो अधिकांश बुद्धिजीवी सोच समझ वाले नागरिक हैं, उनको सोचना चाहिए। और ये मैसेज देने के लिए आप लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चाहे हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं, चाहे जेजेपी बीजेपी दोनों को मिला करके पार्षद के कैंडिडेट हैं, सबको भारी मतों से जिता देंगे तो जो संदेश देना है वो संदेश भी दे पाएंगे और जो हमारी इच्छा अपेक्षा विकास की विकास भी हो पाएगा। और ये भ्रष्टाचार रूपी जो घुण लगा हुआ है, जो कैंसर की बीमारी है, इसको दूर करने में हम सहयोग भी कर पाएंगे। प्रदेश में मैंने तय किया कि सारे भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे, एक एक चीज पारदर्शी तरीके से, नौकरियां हों, बदलियां हों, लोगों को रोजगार, स्वयं रोजगार की व्यवस्था देनी हो, लोगों के मानस में ईमानदारी का भाव भरना हो, ईमानदारी का भाव सब में भरना पड़ता है, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनता हो, क्योंकि जो चीज ऊपर से चलती है वो नीचे भी चलती है। हर कोई चाहता है कि भाई मुझे अगर अधिकार 5 पैसे का है तो कैसे मैं 10 पैसे छीन लूं, ये जनमानस में भी चीजें होती हैं, तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जब बताएंगे हम सब ऐसा कर रहे हैं, लोग कहेंगे ठीक है, अगर सब ऐसा करेंगे तो नीचे जनता का लाभ होगा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान किसी को होता है तो जो सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति होता है, जो गली मोहल्ले में बैठा होता है, उसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। जब उसको ये पता लगेगा भ्रष्टाचार हम आपके लिए खत्म कर रहे हैं, आपका लाभ होगा, तब वो उस लाइन पर आ जाता, वो भी सत्यता के आधार पर आगे बढ़ेगा। तो श्री मित्रों, आज के इस चुनाव में हम लोगों को ये सारी बातें ध्यान रखनी है और विकास के नाते हमारा शहर अच्छा शहर बने। बाद में ये ना कहना कि हमको बताया नहीं था, हम तो बताने के लिए आए हैं, करना आपने है। आप अगर हमारी बात मानोगे तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं हम उसको पूरा करेंगे। एक विचार की सरकार होगी तो आधी रात को भी आपकी ओर से कोई डिमांड आएगी, कोई विकास की बात आएगी, उसको उसी में पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।